बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओरियंस फूड के किचन में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। आज हम रमज़ान स्पेशल में बना रहे हैं चिकन डोनट्स। चिकन डोनट्स बनाने के लिए जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ उनमें मैंने सबसे पहले यहाँ लिया है ये आल पर्पज फ्लावर है, यानी कि मैदा। ये 3 कप है। इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी नमक, ये 1 टीस्पून है। इसके साथ मैं डालूंगी चीनी, ये 1 टेबल स्पून है। यहाँ मैंने ईस्ट लिया है 2 टीस्पून, ये ऐड करूंगी। मिल्क पाउडर ये 2 टेबल स्पून है, मिक्स करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसकी एक सॉफ्ट सी डो तैयार करेंगे। अब यहाँ पर मैं ऑयल शामिल करूँगी। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, मेल्टेड बटर। यहाँ मैंने लिए हैं तकरीबन 3 टेबल स्पून, हाफ ऐड करेंगे और इसको 5 से 6 मिनट तक भूनते जाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए मुझे। ये देखें इस कदर सॉफ्ट हो गए। अब ये पकाया सारा ऑयल हम इसमें डाल देंगे और इसको 2 मिनट मजीद भून देंगे। डो हमारी रेडी हो चुकी है, ये देखें इस कदर सॉफ्ट है। अब इसको हम रेस्ट पर रखेंगे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं ताकि क्रस्ट ना आए इसके ऊपर, और इसको कवर कर देते हैं क्लीन शीट के साथ। क्लीन शीट के साथ मैंने इसको कवर कर दिए। अब इसको एक साइड पे रखते हैं। जब तक हमारी डो राइज हो रही है तब तक हम इसके चिकन डोनट्स के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने 5 टेबल स्पून ऑयल डाल दिए। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज, ये तकरीबन है 125 ग्राम, यानी कि आधा पाव। प्याज को हमने ट्रांसलूसेंट करना है। अनियन हमारा ट्रांसलूसेंट हो गया, अब यहाँ पर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, यानी कि 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक। मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक इसको इसके साथ सौते करेंगे। जब तक इसमें खुशबू ना आना शुरू हो जाए तब तक हमने इसको सौते करना है। खुशबू आना शुरू हो गई है। अब यहाँ पर मैं डालूँगी मैदा, ये है तकरीबन 30 ग्राम। इसको इसके साथ भुनेंगे। मैदा भुन चुका है, अब इसमें डालेंगे ये 1 गिलास दूध है वो ऐड करेंगे। साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिए ग्रीन मिर्च का पेस्ट, ये ऐड करेंगे। ये तकरीबन है 70 ग्राम। मिक्स करेंगे। अब डालेंगे मसाले, यहाँ मैंने लिया है ज़ीरा, ये 1 टीस्पून है। नमक ये तकरीबन 1 टीस्पून है। काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। मिक्स करेंगे। अब डालेंगे इसमें श्रेड किया हुआ चिकन, ये तकरीबन है 250 ग्राम, ये ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है, अब इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। डोनट की डो हमारी राइज हो चुकी है, अब हम इसको बाउल से बाहर निकालेंगे। पंच करेंगे ताकि इसकी अंदर एक्स्ट्रा हवा निकल जाए। मैदा डस्ट करेंगे, बाहर निकालेंगे।
इसको एक लंबा सा रोल बना लेंगे। तो मैंने एक लंबा सा रोल बना दिया। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। एक पेड़ा लेंगे, उसको हाथ से बड़ा करना है इस तरीके से। जब हम फ्राई करें तो ये खुले ना, बंद कर देंगे और फिर उसको हाथ से ऐसे ताकि ये एक तरह की शक्ल बन जाए। इस तरह हम सारे डोनट तैयार कर लेंगे। डोनट हमारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर अब इसको फ्राई करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया, पैन में मैंने ऑयल डाल दिया था, ऑयल गर्म हो चुका है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके हम डोनट इसमें डालते जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम। डोनट हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। तैयार है हमारे चिकन डोनट्स, बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।